एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दैट इज नर्सिंग एंड मायसेल्फ आई एम मिस्टर वैभव भोसले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जो भी एक कॉस्ट्यूम पहना है इज रिलेटेड टू नवरात्रि। तो पहले मैं सबको नवरात्रि की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। माँ दुर्गा, माँ अंबाबाई ब्लेसेस यू। तो उसके साथ ही बहुत बच्चों ने मुझे कमेंट किया था, कॉल किया था, जैसे ही 12+2 मतलब 12+ के रिजल्ट आ गए हैं, मतलब 12वीं के रिजल्ट आ गए, तो बहुत सारे बच्चों के डाउट ये थे कि सर एडमिशन कौन से कोर्सेज को लिया जाए, नर्सिंग में कौन से कोर्सेज है, इवन मेडिकल, डेंटल, फिजियोथेरेपी, बीएचएमएस, बीयूएमएस, मेडिकल के फील्ड को कैसे अप्लाई किया जाए। तो ये सारे डाउट थे उनके माइंड में, कितना फीस रहता है, प्राइवेट में कैसा, गवर्नमेंट में कैसा। तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर में एक वीडियो के थ्रू देना चाहता हूं। तो एएनएम से लेके पूरा का पूरा पीएचडी नर्सिंग तक जो भी नर्सिंग के कोर्सेस है उनके रिलेटेड में इन डिटेल वीडियो बनाया है। तो अंत तक ये वीडियो जरूर देखिए, इसमें से आपके आधा से ज्यादा डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर इसके बावजूद भी डाउट्स क्लियर नहीं हुए तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर कर सकते हो। तो फर्स्ट मैं आपको ले चलता हूं कि कौन से कोर्सेस है नर्सिंग में, उसके रिलेटेड पहले हम डिस्कस करेंगे। टोटली 7 कोर्सेस है, मतलब स्टेप बाय स्टेप। उसमें फर्स्ट आता है ऑक्सिलरी नर्स एंड मिडवाइफ करके आता है, फर्स्ट वन ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ, ये 2 साल का कोर्स है। इसके रिलेटेड डिटेल में बोलूंगा वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप। सेकेंड आता है जीएनएम, ये 3 साल का कोर्स आता है जीएनएम का। उसके बाद आता है पोस्ट डिप्लोमा कोर्सेस, जीएनएम होने के बाद जो भी रजिस्टर्ड नर्स है वो पोस्ट डिप्लोमा, मतलब जीएनएम में एक डिप्लोमा कोर्स है, पोस्ट डिप्लोमा मतलब जीएनएम होने के बाद, वो कोर्सेज में 3 आते हैं। एक आता है पीडियाट्रिक रिलेटेड, चाइल्ड हेल्थ भी बोल सकते हैं, साइकेट्रिक, मेंटल हेल्थ भी बोल सकते हैं, और पब्लिक हेल्थ उसको कम्युनिटी भी बोल सकते हैं। इनके द्वारा ही हम सेलेक्ट हुए हैं, मतलब हमको पोस्ट दिया गया है डीएचएस में, पीडियाट्रिक नर्स, साइकेट्रिक नर्स और पब्लिक हेल्थ नर्स करके। तो 1 ईयर का कोर्स है, जीएनएम के बाद आप कर सकते हो। उसके बाद आता है बेसिक बीएससी नर्सिंग कोर्स। जैसे कि आपको मालूम है बेसिक बीएससी नर्सिंग कोर्स एक डिग्री कोर्स है और एक 4 साल का कोर्स है, बट इसके लिए एडमिशन लेने के लिए पर्टिकुलरली गवर्नमेंट और एमएचएस में नीट, मतलब नेशनल एंट्रेंस एलिजिबिलिटी टेस्ट देना बहुत जरूरी है। उसके स्कोर के थ्रू ही आप बेसिक बीएससी नर्सिंग गवर्नमेंट और प्राइवेट में ले सकते हैं, बट डीम्ड यूनिवर्सिटी का अलग क्राइटेरिया है। उसके बाद आता है पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, मतलब जो जो भी जीएनएम करते हैं रजिस्टर्ड नर्स उनको पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, इसको पीबीबीएससी नर्सिंग भी बोल सकते हैं, ये भी एक डिग्री कोर्स है, ये 2 साल का रहता है। उसके बाद आता है मास्टर ऑफ साइंस इन नर्सिंग, जो भी बीएससी नर्सिंग और पीबीबीएससी नर्सिंग करके रजिस्टर्ड नर्स बनता है उसके बाद 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, उसके बाद आप मास्टर ऑफ साइंस इन नर्सिंग कर सकते हो। और उसमें 5 स्पेशलिटी है, टोटली 5 स्पेशलिटी। फर्स्ट आता है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, सेकंड आता है मेंटल हेल्थ नर्सिंग, थर्ड आता है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, उसके बाद में आता है ओबीजीवाई नर्सिंग, ओबीजीवाई के बाद आता है लास्टली मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। तो इसमें टोटली 5 स्पेशलिटी है। और थोड़े लाइक इंस्टीट्यूट देखा तो उसमें एक एचआईवी नर्सिंग करके भी उन्होंने एक्स्ट्रा ऐड किया, ऑर्थोपेडिक नर्सिंग करके भी एक्स्ट्रा ऐड किए, बट एट प्रेजेंट मेनली एमएस नर्सिंग में मेजर 5 स्पेशलिटी। उसके बाद में आता है पीएचडी नर्सिंग, पीएचडी मतलब डॉक्टर ऑफ फिलोसफी नर्सिंग, 3 से लेकर 5 साल तक ये रहता है। इसका क्राइटेरिया क्या है, एमएससी के बाद आपको एक यूनिवर्सिटी बोलते हैं कि 3 साल एक्सपीरियंस चाहिए, बट ऐसा इसको क्राइटेरिया नहीं है, बट एमएससी नर्सिंग होना बहुत जरूरी है और आपके एमएससी नर्सिंग के बाद पब्लिकेशन होने, अच्छे जर्नल में पब्लिकेशन होना भी बहुत जरूरी है, उसके बाद आप पीएचडी नर्सिंग कर सकते हैं। तो ये टोटली है 7 नर्सिंग रिलेटेड कोर्सेस। और नेक्स्ट मैं बोलूंगा कि इन डिटेल एक एक का क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसका गवर्नमेंट में कैसे एडमिशन लिया जाए, प्राइवेट में कैसे एडमिशन लिया जाए, उसका वन बाय वन प्रोसेस मैं आपको बोलता हूं। तो अब हम बात करेंगे रिलेटेड टू वन बाय वन कोर्सेस। तो फर्स्ट मैं एएनएम के रिलेटेड बात करने जा रहा हूं। आप जैसे देखते हो एएनएम एक 2 साल का कोर्स है, टोटली 2 ईयर का कोर्स है। पर्टिकुलर जो भी नर्सिंग रिलेटेड कोर्सेस है उनको मैंने 3 सेक्शन में डिवाइड किया है। फर्स्ट है एलिजिबिलिटी, सेकंड है एडमिशन प्रोसेस, उसमें गवर्नमेंट, प्राइवेट और यूनिवर्सिटी 3 अलग अलग एडमिशन प्रोसेस आते हैं, और थर्ड है एग्जामिनेशन, कौन एग्जामिनेशन उनका लेता है। तो फर्स्ट एलिजिबिलिटी की तरफ चलते हैं। एलिजिबिलिटी इसको 12th एनी स्ट्रीम चलेगा, आपने आर्ट्स किया है, साइंस किया है, कॉमर्स किया है, कोई भी चलेगा, और प्रेफरेबली वो साइंस प्रेफर करते हैं। और एडमिशन प्रोसेस, एडमिशन प्रोसेस में यूजुअली गवर्नमेंट में होता है, और गवर्नमेंट में नीट अगर देखते हो तो एएनएम के लिए नीट बिल्कुल नहीं लगता, और अगर फीस देखा तो गवर्नमेंट के लिए तो फीस नहीं रहता है, और प्राइवेट के लिए देखो 25-50,000 तक यूजुअली रहता है, और डीम यूनिवर्सिटी में कोर्स ही नहीं रहता, एएनएम डीम यूनिवर्सिटी में रहता, डीम यूनिवर्सिटी यूजुअली डिप्लोमा कोर्स जीएनएम और डिग्री कोर्स चलाता है।
और स्कॉलरशिप देखिए, स्कॉलरशिप गवर्नमेंट में तो फुल स्कॉलरशिप रहता है, और प्राइवेट में अगर गए तो SC ST के लिए फुल रहता है। पर्टिकुलरली प्राइवेट में जो भी MUHS यूनिवर्सिटी है उनको क्या करता है, MUHS यूनिवर्सिटी जो भी SC ST उनको फुल स्कॉलरशिप है, जो NTA उनको डेवलपमेंटल चार्ज नहीं दिया जाता, और जो भी ओपन प्लस जो भी क्या OBC है उनको यूजुअली 50% मिल जाता है। और इसका जो भी एग्जामिनेशन है वो महाराष्ट्र नर्सिंग काउंसिल लेता है। मैंने बहुत सारे इंडियन कॉलेजेस देखे हैं, इवन यूजुअली धुले का जो भी अपना कॉलेज स्कूल ऑफ नर्सिंग है उधर भी ANM है, उसका प्रोसेस डायरेक्टली मतलब जो भी एडवर्टाइजमेंट छोड़ते हो एडवर्टाइजमेंट में आपको अप्लाई करना है, जो भी एडवर्टाइजमेंट देते हैं उधर जो भी फॉर्म रहता है फिजिकल फॉर्म रहता है ANM के लिए, वो फिजिकल फॉर्म भरना है। जब भी वो बुलाते हैं वो काउंसलिंग के लिए जाना है, अकॉर्डिंग टू आपके जो मार्क्स है वो आपको मतलब चॉइस देंगे आपको किधर लेना है, उसके अनुसार आप चूज कर सकते हो। तो ये ANM का प्रोसेस है, और प्राइवेट में भी सेम प्रोसेस है। प्राइवेट में भी आपको जाके जिधर जिधर कॉलेज है उधर उधर जाके आपको डायरेक्टली अप्रोच करना है, उनका जो भी एडमिशन का एक प्रोसीजर रहता है वो फॉलो करना है, उसके बाद आपको एडमिशन मिल जाएगा। बट ड्यूम यूनिवर्सिटी में तो ये रहता ही नहीं है। तो ये रहा ANM के रिलेटेड इन ब्रीफ रिलेटेड टू एडमिशन। प्रोसेस में बताने जा रहा हूँ रिलेटेड टू GNM। GNM एक 3 साल का कोर्स है, उसको जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी भी बोलते हैं। आप देख सकते हो 3 साल का कोर्स है। इसके लिए जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हुए प्लस टू दैट इज 12वीं एनी स्ट्रीम, इसके लिए भी एनी स्ट्रीम चलेगा, बट इधर भी प्रिफरेबली आपको साइंस को ही देते हैं। और इसमें एक पर्टिकुलरली ये इंग्लिश को ओपन को 45% मार्क्स देना कंपलसरी है, 45 मार्क्स देना, और जो भी कास्ट में आते हैं उनको इंग्लिश को 40 मार्क्स देना कंपलसरी है। और एडमिशन प्रोसेस इसका भी गवर्नमेंट का एडमिशन होता है, नीट इसके लिए भी नहीं लगता क्योंकि एक डिप्लोमा कोर्स है, और गवर्नमेंट में फीस तो नहीं रहता बट गवर्नमेंट में फुल स्कॉलरशिप रहता है। और कमिंग टू द प्राइवेट, प्राइवेट में यूजुअली नीट तो नहीं रहता, और प्राइवेट में फीस यूजुअली 75,000 टू 1,00,000 तक रहता है, और स्कॉलरशिप यूजुअली मिल जाता है। उसका मैंने पहले बोला है SC ST को कम्प्लीट है, फिर NT को डेवलपमेंटल चार्जेस नहीं मिलता, और बाकी का जो भी OBC और ऊपर आते हैं उनको यूजुअली क्या होता है 50% देते हैं। और उसके बाद में डीम यूनिवर्सिटी में भी रहता है, बट इसका एग्जामिनेशन जो भी बॉडी है वो महाराष्ट्र नर्सिंग काउंसिल ही है। डीम यूनिवर्सिटी में भी मिलता है, और उसका फीस भी सेम प्राइवेट जितना ही 75,000 टू 1,00,000 रहता है, बट स्कॉलरशिप डीम यूनिवर्सिटी में भी ये GNM के लिए मिल जाता है। तो ये रहा GNM कोर्सेज के रिलेटेड इन्फो। GNM का भी क्या होता है, गवर्नमेंट में एप्लीकेशन बुलाते हैं, जैसे रिसेंटली देखा होगा तुमने BMC म्युनिसिपल कारपोरेशन हो, थाने म्युनिसिपल कारपोरेशन हो, स्वामीनाथन ठाकरे कॉलेज में रिसेंटली GNM बुलाया था, उसके बाद में बहुत सारे कॉलेजेस है गवर्नमेंट के जिधर जिधर ये बुलाते हैं, उसका एडवर्टाइजमेंट निकलता है, और एडवर्टाइजमेंट निकलने के बाद जो भी फॉर्म वो बोलते हैं उसके लिए आपको फॉर्म के लिए अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद वो जिधर जाके सबमिट करने के लिए बोलते हैं उधर जाके उसको सबमिट करना है। एक बार सबमिट करने के बाद उसका लिस्ट लगेगा, ओवरऑल लिस्ट लगेगा, आपका नंबर लगाया नहीं, अगर आपका नंबर लगाया तो एज पर देयर ओपिनियन आपको क्या करना है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो सबमिट करना है, और काउंसलिंग में आपको अटेंड होना है, तो आपका सीट पक्का हो जाएगा। प्राइवेट में आपको जाके वो पर्टिकुलर कॉलेज उसको जाके अप्रोच करना है, MUHS के अंडर हो या MNC के अंडर हो, उधर जाके आपको अप्रोच करना है MNC रिलेटेड कॉलेज को। इवन DM का भी सेम रूल है, वो आपको जैसे ही आपका 12वीं हो जाता है वो एडमिशन प्रोसेस के लिए बुलाते हैं। लेकिन इसका एक रेशो है, मेल इज टू फीमेल रेशो बोलते हैं हम, GNM का मेल इज टू फीमेल रेशो वो 3:7 है, मतलब टोटली 100 सीट रहे तो 30 क्या करते हैं मेल्स को लेते हैं और 70 फीमेल्स को लेते हैं। तो इसका एक रेशो है 3:7 मेल इज टू फीमेल रेशो, ये फीमेल ये रेशो मेंटेन करके वो एडमिशन लेते हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है। प्रोसेस सिंपल है, गवर्नमेंट का एप्लीकेशन बुलाएंगे उसको डालना है, प्राइवेट और डीयूनिवर्सिटी में आपको जाके अप्लाई करना है। तो दिस इज रिलेटेड टू द GNM जैसे पोस्ट डिप्लोमा इन नर्सिंग। पोस्ट डिप्लोमा नर्सिंग ये 1 साल का कोर्स है, तो इसका जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसके लिए GNM प्लस रजिस्टर्ड नर्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका एडमिशन जो भी गवर्नमेंट में नीड तो नहीं लगता, इसको फीस गवर्नमेंट के लिए नहीं लगता, बट स्कॉलरशिप जरूर है। प्राइवेट में भी नीड नहीं लगता, बट इसका फीस जो भी है 30,000 to 50,000 रहता है यूजुअली, बट इसको स्कॉलरशिप भी मिल जाता है। और डीम यूनिवर्सिटी में भी नीड जरूरत नहीं है, 30,000 to 50,000 इसको फीस रहता है, थोड़ा ज्यादा भी रह सकता है,
और स्कॉलरशिप डीम्ड यूनिवर्सिटी में ले रहा था, और उसका जो भी एग्जामिनेशन बॉडी है वो महाराष्ट्र नर्सिंग काउंसिल है। तो आप देख सकते हो रिसेंटली पीएचएन के बहुत सारे सीट निकले थे डीएचएस में, डायरेक्टर ऑफ हेल्थ साइंसेस में, तो उसमें देख सकते हो आप पीडियाट्रिक, साइकियाट्रिक और पब्लिक हेल्थ के सीट्स थे। तो उसके लिए एडवांटेज हो सकता है, और इसका एडमिशन प्रोसेस जो भी रहता है, रिसेंटली आपने देखा होगा जेजे में हो या आईएनएच अश्विनी, तो आईएनएच अश्विनी में रिसेंटली साइकियाट्रिक पीएचएन के रिलेटेड और साइकियाट्रिक पोस्ट डिप्लोमा कोर्स के रिलेटेड एक नोटिफिकेशन आया था। तो जैसे ही नोटिफिकेशन आता है, ये वेबसाइट में आता है, तो पेपर में आता है, जैसे ही आता है आपको एक फिजिकल फॉर्म रहता है, वो फिजिकल फॉर्म आपको क्या करना है, उसके लिए अप्लाई करना है। अगर आप एक गवर्नमेंट जॉब में हो तो आपके थ्रू गवर्नमेंट मतलब थ्रू ऑफिस आपको उसको अप्लाई करना है। अगर आप प्राइवेट में कर रहे हो तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, उसका एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद वो पर्टिकुलर डेट पे आपको क्या करते हैं, उसका एक एग्जाम रहता है, उसका एग्जाम देने के बाद आपको वो बुलाते हैं। अगर वो लिस्ट में ऑल ओवर महाराष्ट्र अगर आप वो लिस्ट में सेलेक्ट हो जाते हो तो आपको काउंसलिंग रहेगा, कौन सा पर्टिकुलर प्लेस पे आप लेना चाहते हो, और आपका एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया तो आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। तो ये था रिलेटेड टू पोस्ट डिप्लोमा इन नर्सिंग। बट बहुत लोग पूछते हैं सर इधर डिग्री कोर्स, ये डिग्री कोर्स नहीं है, ये डिप्लोमा कोर्स है। तो दिस इज ऑल रिलेटेड टू द पोस्ट डिप्लोमा इन नर्सिंग कोर्स। तो नेक्स्ट मैं ले चलता हूं आपको बेसिक बीएससी नर्सिंग के तरफ। बेसिक बीएससी नर्सिंग एक 4 साल का डिग्री कोर्स है, उसका जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है 12th साइंस, मतलब आपको 12th साइंस स्ट्रीम ही चाहिए, और पीसीबी मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, अगर आप ओपन कैटेगरी के हो तो 135 मिनिमम मार्क्स आपको चाहिए, और कास्ट में रहे तो 120 मार्क्स, मतलब कास्ट में रहा तो पीसीबी का 40% और ओपन में रहा तो 45% मिनिमम एलिजिबल क्राइटेरिया है, इतना आपको चाहिए। और एडमिशन प्रोसेस गवर्नमेंट में होता है, गवर्नमेंट के लिए आपको नीट चाहिए, ओके उसके बाद में गवर्नमेंट में फीस नहीं रहता और स्कॉलरशिप इसको रहता है। और सेकंड आता है प्राइवेट के लिए भी नीट चाहिए, अगर आपको एमयूएचएस यूनिवर्सिटी में करना है तो आपको कंपलसरी नीट्स का स्कोर अच्छा चाहिए, और फीस यूजुअली 1 लाख तक रहता है, और इसको भी स्कॉलरशिप है, एमयूएचएस के यूनिवर्सिटीज में स्कॉलरशिप है। और आते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी की तरफ, डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए नीट, ऐसा नहीं कि नीट चाहिए बट आप नीट दे भी सकते हो, नहीं तो डीम्ड यूनिवर्सिटी का एक पर्टिकुलरली सीटी रहता है, डीम्ड का सीटी, तो वो आपको देना बहुत जरूरी है। फीस यूजुअली 1 to 1.5 लाख तक रहता है, और स्कॉलरशिप डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए नहीं है। डीम्ड यूनिवर्सिटी का एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि डिग्री कोर्स बीएससी नर्सिंग को उनका स्कॉलरशिप नहीं है, बट हालांकि ये छोड़ के आपको माइनॉरिटी स्कॉलरशिप, टैलेंट बेस्ड स्कॉलरशिप और जो भी एग्जामिनेशन बेस्ड स्कॉलरशिप ये डीम्ड यूनिवर्सिटी में रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एसएनए स्टूडेंट नर्सेस एसोसिएशन का एक स्कॉलरशिप आता है, टीएनए ट्रेन नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया का एक स्कॉलरशिप आता है, वो डीम्ड यूनिवर्सिटी वाले ग्रैब कर सकते हैं अपने टैलेंट के द्वारा। और एग्जामिनेशन जो भी पैटर्न है इसका एमयूएचएस लेता है, अगर प्राइवेट में रहा तो एमयूएचएस लेता है, डीम्ड यूनिवर्सिटी रहा तो वो पर्टिकुलर डीम्ड यूनिवर्सिटी पेपर सेट करता है, वो पर्टिकुलर डीम्ड यूनिवर्सिटी इसका एग्जाम लेता है। तो ये रहा रिलेटेड टू एडमिशन प्रोसेस, इसका एडमिशन प्रोसेस हालांकि बहुत बड़ा है, वो मैं इसके बाद में बताऊंगा कि क्या है क्या नहीं, क्योंकि इन डिटेल आपको बताया एडमिशन प्रोसेस कैसा है तो आपको अच्छा रहेगा। मैं आपको ले चलता हूं बेसिक बीएससी नर्सिंग का एडमिशन के प्रोसेस के तरफ। जैसे कि मैंने अभी बोला कि डीम यूनिवर्सिटी में अलग रहता है, एक्चुअली डीम यूनिवर्सिटी में इसके एडमिशन पहले हो जाते हैं, क्योंकि डीम यूनिवर्सिटी का सीटी बहुत पहले रहता है। तो डीम यूनिवर्सिटी में अगर आपको लगता है कि आपको गवर्नमेंट और प्राइवेट में नहीं मिलेगा तो आपको डीम यूनिवर्सिटी में पहले ही लेना चाहिए, बट अगर आपको लगता है कि आपका 12th साइंस का रिजल्ट प्लस नीट से नीट जो भी नेशनल एंट्रेंस एलिजिबिलिटी टेस्ट बोलते हैं उसका आपका स्कोर अच्छा आया है तो आप क्या कर सकते हो, देखो इसका प्रोसेस बहुत सिंपल है। नीट और 12वीं के रिजल्ट आने के बाद आपको ARA मतलब एडमिशन रेगुलेटिंग अथॉरिटी, एक बोर्ड है एडमिशन रेगुलेटिंग अथॉरिटी, ये डेंटल हो, फिजियोथेरेपी हो, मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, एग्रीकल्चर हो, सबका एडमिशन का यही देखता है। उसके अंडर एक सेल आता है, उसको बोलते हैं हम स्टेट सीटी सेल, मतलब महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र का जो भी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल है उनका एक वेबसाइट है, वो वेबसाइट में जाके आपको क्या करना है, नीट यूजी में जाना है। नीट यूजी मतलब नेशनल एंट्रेंस एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसमें यूजी सेक्शन मतलब अंडरग्रेजुएट में जाना है, क्योंकि आपको बेसिक बीएससी नर्सिंग करना है। उसके बाद में एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म रहता है, वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है, उसमें आपका जो भी डिटेल्स रहता है लाइक आपका नाम,
आपका नीट का स्कोर अपलोड करने के लिए बोलते हैं, आपका एड्रेस, आपका जेंडर, आपका 12 के मार्क, इतना सब अपलोड करने के लिए बोलते हैं। तो वो एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया आपका सक्सेसफुली, क्योंकि वो आएगा, अभी तक इस साल का नहीं है, 22-23 का अभी तक नहीं है, वो आएगा। वो आने के बाद भी मैं बोलूंगा कि कैसा फॉर्म भरना है। वो आने के बाद आपका कंबाइंड लिस्ट लगेगा, मतलब जितना मार्क्स आपने लिया है नीट का, सिर्फ इधर देखो, सिर्फ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए आपका पीसीबी मार्क्स काउंट किया जाता है, बट आपको सीट जो भी मिलता है वो नीट के स्कोर के थ्रू ही मिलता है। मैं और एक बार बोलता हूं, जो भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के मार्क्स है, ये सिर्फ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए, जो भी आपको सीट मिलता है गवर्नमेंट में या अच्छे कॉलेज में, वो आपके नीट के स्कोर के थ्रू ही मिलता है। तो नीट का स्कोर अच्छा करना भी इम्पोर्टेंट है। एक बार वो नीट का स्कोर के हिसाब से आपका कंबाइंड लिस्ट लग जाता है, उसको हम बोलते हैं स्टेटमेंट। और स्टेट मेरिट के हिसाब से आप क्या करते हो, चॉइस ऑफ कोर्स ले सकते हो, सबका एक एक पर्टिकुलरली कट ऑफ मार्क्स रहता है। अगर आपको बीएससी नर्सिंग लेना है तो नीट में आपको 100 प्लस मतलब 120 तक स्कोर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में चॉइस ऑफ प्रेफरेंसेस आएंगे, आपके जितने भी मार्क्स रहते हैं उसके हिसाब से आपको चॉइस ऑफ प्रेफरेंस देंगे। पहले गवर्नमेंट के सीट रहते हैं, मतलब गवर्नमेंट कॉलेजेस में वो एब्सोल्युटली फ्री रहते हैं, तो आप फर्स्ट उसको अप्लाई कर सकते हो। और महाराष्ट्र में 4 गवर्नमेंट के कॉलेज है, एक जेजे मेडिकल कॉलेज है जो कि मुंबई भाईकला में है, सेकेंड बीजे मेडिकल कॉलेज है पुणे में ससून, देन थर्ड है औरंगाबाद में है, और फोर्थ नागपुर में। ये चारों गवर्नमेंट के कॉलेजेस है। उसके बाद में प्राइवेट कॉलेज आते हैं। प्राइवेट कॉलेज में क्या रहता है, 85% क्या रहता है डीएमईआर, मतलब नीट के थ्रू भरता है, और जो भी 15% है ये मैनेजमेंट सीट है। तो 85% में अगर आपका स्कोर अच्छा है तो आपका गांव, आपका जिधर भी आपको अडजस्टेबल लगता है उधर आप डीएमईआर के थ्रू ले सकते हो। मतलब प्रोसेस एक ही है, गवर्नमेंट में लेना हो प्राइवेट में लेना हो, आपको नीट यूजी में जाके रजिस्ट्रेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में चॉइस ऑफ कोर्स, चॉइस ऑफ प्रेफरेंस आएगा। अगर आपको प्राइवेट में भी नहीं मिला तो डीम्ड यूनिवर्सिटी आपको लास्ट ऑप्शन है, क्योंकि डीम्ड यूनिवर्सिटी को नीट भी नहीं लगता, उनका पर्टिकुलर रहता है, बट अगर डीम्ड यूनिवर्सिटी सीट नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते, आपको इसके लिए स्टडी ज्यादा करना पड़ेगा। और एक बार आपको पर्टिकुलर कॉलेज मिल गया उधर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहता है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पर्टिकुलरली मैं अभी बोलता हूं आपको, आपके जो भी कास्ट वैलिडिटी रहता है, जात पड़ताल ही बोलते हैं उसको, वो अपडेट रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका आधार कार्ड, आपके जो भी नीट का मार्क्स स्कोर है वो, आपका 12वीं का सर्टिफिकेट, आपका बर्थ सर्टिफिकेट, आपका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, और आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड, प्लस एक बैंक का एक पासबुक। तो इतना डॉक्यूमेंट आपको रखना बहुत जरूरी है, और उसके जेरोक्स मार्क के अटेस्टेड भी रखिए ताकि आपको फ्यूचर में हेल्प हो। तो ये बीएससी नर्सिंग का एक प्रोसेस है, ये पर्टिकुलर प्रोसेस के द्वारा आप एडमिशन ले सकते हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने बीएससी नर्सिंग का प्रोसेस ही मालूम नहीं, वो घबराहट में जा रहे थे कि सर एडमिशन हुए क्या ऑलरेडी, इसका प्रोसेस आने वाला है तो वो जल्दी आएगा, मे बी अक्टूबर में आना चाहिए उसको। तो जैसे ही आता है मैं ये भी आपको नोटिफाई कर दूंगा। तो नेक्स्ट चलते हम पीबीबीएससी के तरफ, चलता हूं आपको पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के तरफ। पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी, उसको बोलते हैं डिप्लोमा नर्सिंग, और उसके बाद में आप रजिस्टर्ड नर्स, मतलब आपका एमएनसी में रजिस्ट्रेशन होना बहुत जरूरी है। उसके बाद एडमिशन क्राइटेरिया, इसका एडमिशन क्राइटेरिया गवर्नमेंट में भी रहता है, लाइक जेजे हॉस्पिटल में है, इवन ससून में है, तो इसके लिए तो नीट नहीं लगता क्योंकि एक एडिशनल कोर्स है, और फीस गवर्नमेंट में तो नहीं है और स्कॉलरशिप इसको रहता है। प्राइवेट में भी इसका फी जो भी है 1.1 लाख तक रहता है, और स्कॉलरशिप इसको यूजुअली प्राइवेट में एमएचएस की यूनिवर्सिटी में रहता है। और डीम्ड यूनिवर्सिटी में भी रहता है, इसको नीट की जरूरत नहीं है, बट फीस 1 to 1.5 लाख तक रहता है। बट पीबीबीएससी के लिए भी स्कॉलरशिप नहीं रहता, बट टैलेंट बेस्ड स्कॉलरशिप इनको भी रहता है। और पीबीबीएससी के कोर्स के जो भी एडमिशन है वो भी गवर्नमेंट के लाइक ऑफलाइन मोड पे आते हैं, कि आजकल पीबीबीएससी के एडमिशन है करके, तो आपको जो भी कॉलेज है, फॉर एग्जाम्पल जेजे का एक एडवर्टाइजमेंट आएगा, वो एडवर्टाइजमेंट का जो भी फॉर्म है वो फॉर्म के द्वारा आपको क्या करना है, अप्लाई करना है। एक बार आपने फॉर्म के द्वारा अप्लाई किया तो आपका टोटल लिस्ट बनेगा, टोटल ऑल ओवर महाराष्ट्र जितने भी लोग आते हैं उनका लिस्ट बनेगा, वो लिस्ट में अगर आप सेलेक्ट हो गए तो आपको सीट मिलने का चांसेस है। अगर उधर नहीं मिला तो आप प्राइवेट में भी ट्राई कर सकते हैं, बहुत सारे प्राइवेट में भी ये मिलता है, लेकिन उधर फीस भरना पड़ता है, बट कास्ट के लिए और स्कॉलरशिप है। और उधर भी नहीं मिला तो आप डीम यूनिवर्सिटी में ट्राई कर सकते हो, हालांकि डीम यूनिवर्सिटी में थोड़ा ज्यादा फीस रहता है, बट टैलेंट बेस्ड स्कॉलरशिप इधर भी मिलता है। और डीम यूनिवर्सिटी में आप डायरेक्टली जाके अप्रोच कर सकते हो प्राइवेट और डीम यूनिवर्सिटी में, वो पर्टिकुलर कॉलेज में,
क्योंकि वो एडवर्टाइजमेंट में देते हैं किधर किधर अवेलेबल है पीबीबीएससी कोर्स, तो उधर जाके आप मिल सकते हो, उधर अगर सीट अवेलेबल है तो आपको सीट मिल जाएगा। और एग्जामिनेशन बॉडी इसका भी बेसिक बीएससी नर्सिंग का सेम है, एक तो एमएचएस लेगा नहीं तो यूनिवर्सिटी लेगा, क्योंकि ये डीम्ड एक डिग्री कोर्स है, और यूनिवर्सिटी मतलब जो कोई भी डीम्ड यूनिवर्सिटी में आप कर रहे हो उधर ही उसका एग्जामिनेशन रहता है। तो ये रहा पीबीएससी के रिलेटेड। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिलेटेड टू मास्टर ऑफ साइंस इन नर्सिंग, दैट इज एमएससी इन नर्सिंग। बात करते हैं रिलेटेड टू मास्टर ऑफ साइंस इन नर्सिंग, एक 2 साल का कोर्स है, मैंने बोला था इसमें 5 स्पेशलिटी रहते हैं। इसके लिए जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो है बेसिक बीएससी नर्सिंग और पीबीबीएससी नर्सिंग, उसके बाद आपको रजिस्टर्ड नर्स होना जरूरी है, दैट इज इन एमएनसी महाराष्ट्र नर्सिंग काउंसिल में, और उसके बाद आप रजिस्टर्ड नर्स होने के बाद आपको 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, तभी जाके आपको मास्टर ऑफ साइंस इन नर्सिंग कर सकते हो। मास्टर ऑफ साइंस गवर्नमेंट में इसके लिए तो नीड जरूरत नहीं, क्योंकि एक एडिशनल और मास्टर्स डिग्री है, किसी को भी नीड की जरूरत नहीं, बट गवर्नमेंट में इसको फीस नहीं रहता, बट स्कॉलरशिप यूजुअली मिल जाता है। प्राइवेट में क्या रहता है, फीस आपको 1 लाख और 1.25 तक रहता है, और उसको प्राइवेट एमएचएस कॉलेज में यूजुअली क्या मिलता है, इसको स्कॉलरशिप मिल जाता है। डीम्ड यूनिवर्सिटी में भी इसको फीस 1 to 1.5 लाख तक रहता है, और स्कॉलरशिप यूजुअली एमएससी नर्सिंग को डीम्ड यूनिवर्सिटी में नहीं रहता, बट टैलेंट बेस्ड स्कॉलरशिप आप इधर भी एमएससी कोर्स के लिए भी आप ले सकते हो। और इसका जो भी एग्जामिनेशन बॉडी हो एमएचएस और डीम्ड यूनिवर्सिटी, जो भी एमएचएस कॉलेज में आप किया है एमएचएस यूनिवर्सिटी इसका एग्जाम चलाएगा, और यूनिवर्सिटी जो भी डीम्ड यूनिवर्सिटी रहता है उधर भी आप कर सकते हो। देखो यूजुअली जो भी मास्टर ऑफ साइंस इन नर्सिंग कोर्सेस का एडमिशन प्रोसेस ऐसा रहता है, गवर्नमेंट में आपको एप्लीकेशन निकलेगा, इसका एक एग्जाम रहता है, टोटली ओवरऑल महाराष्ट्र एक एमएससी का एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट रहता है, तो उसको अपियर करना पड़ेगा। उसमें अपियर करने के बाद उसके मार्क्स के अनुसार आपको गवर्नमेंट में यूजली क्या मिलते हैं, जगह मिलते हैं। यूजली गवर्नमेंट में देखो एक तो जेजे में है एमएससी नर्सिंग 5 स्पेशलिटी, उसके बाद में ससून में है, लेकिन ससून में सिर्फ सेक्रेटरी इतना ही एमएससी नर्सिंग में, और उसके बाद में आप रिसेंटली देख सकते हो नागपुर, तो वो नागपुर में क्या करते हैं वो एडवर्टाइजमेंट निकालते हैं, उनका फॉर्म रहता है एक पर्टिकुलरली, तो फॉर्म भरना पड़ता है आपको, और जो जो भी डेट्स देते हैं उसके अनुसार आपका काउंसलिंग, आपका जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये सब होता है, बाद में अगर आप सेलेक्ट होते हो तो आपको सीट मिल जाता है। प्राइवेट में क्या होता है एमएचएस जैसे यूनिवर्सिटी में आपको जाके ढूंढना है किधर किधर एमएससी नर्सिंग कॉलेज है, आप वेबसाइट पे भी देख सकते हो, बाद में वो कॉलेज को जाके अप्रोच करना है, वो एक एडमिशन काउंसलिंग उनका एक यूनिट रहता है, वो एडमिशन काउंसलिंग में आपको जाके पूछना है, और जो भी डेजिग्नेटेड अमाउंट रहता है वो भरना है, तो आपको उधर भी मिल जाएगा। डीम्ड यूनिवर्सिटी भी सेम है, हालांकि थोड़ा फीस ज्यादा रहता है, बट डीम्ड यूनिवर्सिटी का एक एडवांटेज ये है कि यूनिवर्सिटी का ही पैटर्न रहता है, और ये सबसे अच्छा मतलब ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन करते हैं पर्टिकुलर रिलेटेड टू एमएससी, इनका रिसर्च जो भी रहते हैं वो डीम्ड यूनिवर्सिटी के थोड़े स्टैंडर्ड रहते हैं जितना मेरा नॉलेज है, क्योंकि इंडिपेंडेंट रहते हैं, जो भी अपडेटेड जो भी आता है वो फास्टली इम्प्लीमेंट करते हैं, तो एमएससी डीम्ड यूनिवर्सिटी में थोड़ा ज्यादा फायदेदारी माना जाता है। और उसके बावजूद डीम्ड यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस जो भी है वो आपको डीम्ड यूनिवर्सिटी को जाके पर्टिकुलरली मिलना है, लाइक मैं डीम्ड यूनिवर्सिटी में था प्रोविंस ऑफ मेडिकल साइंसेस, उधर एडमिशन तो बहुत फास्ट होते हैं, उसके बाद में कृष्णा कराड़े दत्ता मेघे सावंगी है, एमजीएम यूनिवर्सिटी है, ऐसे बहुत सारे यूनिवर्सिटीज है जो कि एक स्टैंडर्ड मास्टर ऑफ साइंस इन नर्सिंग प्रोवाइड करते हैं, तो उधर जाके आपको अप्रोच करना है, जिधर भी एडमिशन काउंसलिंग सेटअप रहता है उधर जाके मिलना है, अगर उधर वैकेंट है तो आपको पर्टिकुलरली सीट आप ग्रैब कर सकते हो। तो ये प्रोसेस है पर्टिकुलरली रिलेटेड टू एमएससी नर्सिंग, और इसका भी एग्जामिनेशन जो भी है वो एमएचएस और डीम्ड यूनिवर्सिटी में यूजली होता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे रिलेटेड टू पीएचडी इन नर्सिंग। तो नेक्स्ट ले चलता हूं आपको पीएचडी इन नर्सिंग, इसको डॉक्टर ऑफ फिलोसफी बोलते हैं, हाईएस्ट कोर्स है, तो ये 3 to 5 साल तक कर सकते हैं, हालांकि 5 साल के बाद भी कर सकते हैं, मतलब 6, 7, 8 साल भी जा सकता है अगर आपका स्टडी बहुत बड़ा है, बट यूजुअली 3 to 5 years इसका ड्यूरेशन रहता है, उसके अंदर आपको फिनिश करना रहता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एमएससी नर्सिंग है, एमएससी नर्सिंग के बाद थोड़ी यूनिवर्सिटी बोलती है कि 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, बट ये क्राइटेरिया हर एक यूनिवर्सिटी के लिए कंपलसरी नहीं है, बट एमएससी नर्सिंग के बाद जो भी आप रिसर्च करते किया रहता है एमएससी में वो एक अच्छा पब्लिकेशन में आपको वो पर्टिकुलर पब्लिश करना, जर्नल में पब्लिश करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पब्लिकेशंस को यूजुअली देखते हैं। और एडमिशन गवर्नमेंट में तो मैंने नहीं देखा है, बट आईएमसी कंसोर्टियम करके है जो कि कर्नाटक के आरजीएचएस में पाया जाता है, उधर से आप एडमिशन ले सकते हो, एक गवर्नमेंट तो नहीं बोलता बट थ्रू आईएमसी एक सीट्स रहते हैं इसके। गवर्नमेंट और प्राइवेट में मैंने यूजुअली ज्यादातर पीएचडी नहीं देखे,
बट डीम्ड यूनिवर्सिटी में ये सबसे ज्यादा पाया जाता है, नीट को किसी को नहीं रहता क्योंकि एक एडिशनल कोर्स है, बट डीम्ड यूनिवर्सिटी में हाँ जरूर रहता है। उसका जो भी फीस है 15,000 to 1 lakh पर ईयर रहता है, मतलब इट रेंजेस थोड़ा, अगर स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी है तो ज्यादा लेते हैं, आप इन हाउस कैंडिडेट हो तो अलग है, आउट हाउस कैंडिडेट हो तो अलग है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है, बट यूजुअली 15,000 to 1 lakh तक लेते हैं। और हाँ डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए थोड़े पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के लिए स्कॉलरशिप भी रहता है, बट स्कॉलरशिप हर एक डीम्ड यूनिवर्सिटी में नहीं, थोड़े डीम्ड यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप है, थोड़े डीम्ड यूनिवर्सिटी में नहीं है, थोड़े डीम्ड यूनिवर्सिटी में टैलेंट बेस्ड स्कॉलरशिप देते हैं, थोड़े लाइक पर्टिकुलर समाज रहते हैं वो समाज वाले भी पर्टिकुलर स्कॉलरशिप देते हैं पीएचडी करने के लिए। और उसका जो भी एग्जामिनेशन है वो एग्जामिनेशन यूनिवर्सिटी के थ्रू ही होता है, जो भी यूनिवर्सिटी ऑफर करता है वो यूनिवर्सिटी के थ्रू होता है। और उसके बाद में एडमिशन कैसे लेना है, बहुत लोग बोलते हैं कि सर पीएचडी कैसा अप्लाई मालूम नहीं होता, पीएचडी सीट किधर रहते हैं, पीएचडी सीट मिला तो। एक्चुअली मैं एक पीएचडी कैंडिडेट हूं, मैं प्रौढ़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस सिंधुताई एकनाथराव विखे पाटिल कॉलेज ऑफ नर्सिंग में मैं पीएचडी नर्सिंग कर रहा हूँ, वो भी न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में, और मेरे जो भी गाइड है वो संगीता विखे मैडम है। तो जो भी मैंने एडमिशन लिया था इसका जो भी है, आपका जो भी यूनिवर्सिटी है उसके यूनिवर्सिटी के साइट पे आ जाता है कि जो भी कितने कितने सीट है और कौन से पर्टिकुलर मतलब सेक्शन में, फॉर एग्जाम्पल एमबीबीएस में कितने हैं कोर्स में, डेंटल में कितने हैं, फिजियोथेरेपी में, नर्सिंग में। तो नर्सिंग में आने के बाद आपको क्या करना है, एक पीईटी करके रहता है, पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट करके रहता है, वो आपको टेस्ट देना पड़ेगा। वो टेस्ट देने के बाद अगर आप पास हो गए और कितने लोग हैं वो देख के आपके जितने भी पासिंग मार्क्स रहते हैं उतने सीट के अंदर आप एलिजिबल हो गए तो आपको एलिजिबिलिटी मिल जाएगा। उसके बाद में आपको पीएचडी का रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद सिनॉप्सिस प्रेजेंटेशन करना है। सिनॉप्सिस प्रेजेंटेशन को सिलेक्ट होने के बाद एथिकल कमेटी का एक मीटिंग रहता है, आप जो भी स्टडी कर रहे हो वो एथिकल के अंदर बैठता है क्या नहीं। और उसके बाद टोटली 8 आप क्या करना पड़ता है, प्रोग्रेस रिपोर्ट सबमिट करना पड़ता है, 8 प्रोग्रेस रिपोर्ट, 6 मंथली एक बोलते हैं यूजुअली, उसके लिए 4 साल लगते हैं। उसके बाद फाइनल आपका प्रेजेंटेशन रहता है। तो ऐसे आप डीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो, एक क्राइटेरिया है। ऐसा नहीं कि पीएचडी मतलब बहुत ही ज्यादा, बट ये रिसर्च बेस्ड ज्यादा रहता है, रिसर्च बेस्ड मतलब ज्यादा यूजली रहता है। किधर किधर है ये पीएचडी, मैं तो जितना मेरा नॉलेज है आईएमसी कंसोर्टियम में है, फिर उसके बाद में प्रौढ़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में है, फिर कृष्णा कराड़ में है, एमजीएम यूनिवर्सिटी में है, फिर वो छोड़ के डीवाई पाटिल में है, देन भारतीय विद्यापीठ में है, और वो छोड़ के गुजरात भी थोड़ी यूनिवर्सिटी है, गुजरात में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, उधर भी मणिपाल यूनिवर्सिटी बोलो या गुजरात केरला सॉरी तमिलनाडु का चेन्नई यूनिवर्सिटी बोलो या सीएमसी वेल्लोर बोलो या गुजरात का पारुल यूनिवर्सिटी बोलो, इधर सब पीएचडी मिलते हैं। बट पीएचडी उधर ही करना जिधर आईएमसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि आपको ये फ्यूचर में आपको इसके रिलेटेड क्या बोलते हैं ज्यादा वैल्यू मालूम होगा। और एक बार आपका पीएचडी हो गया, अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाया था रिलेटेड टू पीएचडी एडिशनल क्वालिफिकेशन, अगर आपका महाराष्ट्र में हुआ है तो आपको पीएचडी होने के बाद इसका एडिशनल क्वालिफिकेशन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप रिकॉग्नाइज हो सके, पीएचडी रिकॉग्नाइज गाइड हो सके। तो ये है पीएचडी रिलेटेड एक ब्रीफ इन्फो रिलेटेड टू एडमिशन प्रोसेस।